नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाराष्ट्र का रण और ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार नजर आती है, लेकिन दोनों पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं कि 25 साल पुराने गठबंधन को नहीं टूटने दिया जाएगा, लेकिन पहल दोनों ही तरफ से नजर नहीं आती। सवाल यह है कि शिवसेना की तरफ से जो फॉर्मूला बीजेपी को दिया गया था उसे बीजेपी ने नकार दिया। बीजेपी एक नया फॉर्मूला दे रही है, 140 सीटों का शिवसेना के लिए, 130 बीजेपी के लिए और 18 अन्य के लिए। वहीं शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिवसेना ने कल एक फॉर्मूला दिया था जिसमें 151 सीटें शिवसेना के लिए, 119 बीजेपी के लिए और 18 अन्य के लिए। 59 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना आज तक नहीं जीती है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 59 सीटों पर पुनर्विचार यहां पर शिवसेना करे। सवाल यह है कि क्या पुनर्विचार होगा? बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन टूटेगा। नरेंद्र मोदी क्या इस गठबंधन को टूटने से बचा पाएंगे? विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं? सस्पेंस बरकरार है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में दरार और बढ़ी। क्यों 25 साल पुराना गठबंधन टूटने की कगार पर? बीजेपी को क्यों नहीं भाया उद्धव का फॉर्मूला? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, सभी बड़े राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति गठबंधन की गांठ पर टिकी रही है और सबसे चौंकाने वाली बात, राज्य की शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी कांग्रेस में अभी तक सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है और नामांकन भरने की तारीख 27 सितंबर है, लेकिन लगने लगा है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों पर समझौता न हो पाने के बाद 25 साल पुराना गठबंधन टूट की कगार पर है और दोनों ही पार्टियां अपनी शर्तों पर अड़ी हुई हैं। सूत्रों की माने तो अब शिवसेना ने नया फॉर्मूला दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटें 288 हैं। शिवसेना अब 144 सीटों पर लड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी को 126 सीटों पर लड़ने देगी और अन्य सहयोगी को 18 सीटें देने को तैयार हैं। तो वहीं बीजेपी का फॉर्मूला है कि शिवसेना 140 सीटों पर लड़े और उन्हें 130 पर लड़ने दे और अन्य सहयोगी दलों को 18 सीटें देने को राजी हो। इससे पहले रविवार को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में शिवसेना से गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। बीजेपी सम्मानजनक समझौते की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से महाराष्ट्र के संदर्भ में विमर्श हुआ और जो हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और ये भी हमने कहा है कि जो सीटें सबसे खराब आपको लगती हैं, जो शिवसेना आज तक कभी नहीं जीत पाई, आप उन सबसे खराब सीटों को उठा करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में दो ताकि हम अपनी संख्या बढ़ा सके, महाराष्ट्र में सरकार बना सके। और मुझे लगता है कि इससे बड़े उदारता के साथ और क्या कोई प्रस्ताव हो सकता है। उद्धव लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि शिवसेना के पास अब बाला साहेब जैसा व्यक्तित्व नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी की पूरे देश में तूती बोल रही है। उद्धव ने याद दिलाया कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के न होने से गठबंधन करने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी को अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 119 और शिवसेना ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी 46 सीटों और शिवसेना ने 44 सीटें जीती थी। मगर गठबंधन को बहुमत न मिलने के कारण वह लगातार तीसरी बार कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है।
इसी कारण शिवसेना और बीजेपी में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर होड़ मची है। सुदेश न्यूज के लिए गणेश पाठक के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। सवाल यह है कि शिवसेना की तरफ से जो 151 और 119 का फॉर्मूला दिया गया था उसे बीजेपी ने नकार दिया था, अब 126 का फॉर्मूला शिवसेना की तरफ से दिया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 130 सीटें मिलनी चाहिए, यानी घालमेल चार सीटों को लेकर है। सवाल यह है कि क्या ये चार सीटें बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन पर भारी पड़ने वाली है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। चंद्रशेखर राय साहब बीजेपी की तरफ से मुझे ज्वाइन करेंगे, इस वक्त दुष्यंत कुमार शर्मा कांग्रेस की तरफ से, और दुर्गेश उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश जी आपसे शुरुआत करता हूं, परिस्थितियां क्या ये बता रही हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी शिवसेना आगे नहीं बढ़ेगी? बीजेपी 130 पर अटकी हुई है, शिवसेना की तरफ से 171 का आंकड़ा जो है वो कम करके 151 पर किया गया और बीजेपी का आंकड़ा 119 से बढ़ाकर 126 के संकेत दिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि यह चार सीटें बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन पर भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल सही कहा सुमित आपने, क्योंकि हो ये रहा है कि जो शुरुआती जो फॉर्मूला जो भारतीय जनता पार्टी अपने दिमाग में बना करके चल रही थी, कहीं ना कहीं उसके उलट जो है उद्धव ठाकरे जाते हुए दिखाई पड़े। और जैसा जब इस बातचीत जो सीटों के बंटवारे को लेकर के जो बहस शुरू हुई उसमें ये था कि उनके पुत्र जो है जो युवा इकाई के अध्यक्ष भी हैं आदित्य ठाकरे, वो 150 के फॉर्मूले पर वो लोग शुरू से काम कर रहे थे। और जिस तरह से अब अमित शाह के नेतृत्व में जो है राज्यों में चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है और वो चाहते हैं कम से कम एक इक्वल पार्टनरशिप बने, और जिन 18 सीटों को छोड़ करके मुझे लगता है कि कम से कम एक बैलेंस बनाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं शिवसेना उसमें उतनी छूट नहीं देना चाहती जितने की भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है। और यही इस पूरे विवाद तो नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि इस पूरे जो बहस हो रही है और अभी जो किसी नतीजे पर जो ये बहस नहीं पहुंच पा रही है, विवाद कहा जा सकता है। सवाल यही है, अगर उद्धव ठाकरे साहब सामने आ चुके हैं, वो खुद ये कह चुके हैं कि मेरा आखिरी प्रस्ताव है, तो इसे क्यों ना बहस ही माना जाए। अगर ये मामला इतना सीधा होता तो क्या लगता नहीं है कि परिस्थितियां इतनी आसानी से सुलझ जाती? जो हालात अब बने हैं कि खुद उद्धव ठाकरे सामने आते हैं और उसके बाद वो टिप्पणी करते हैं। दुर्गेश जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो कि जब ये बातचीत शुरू हुई और उससे पहले एक प्रोग्राम में जब उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर एक तरह से अनाउंस कर दिया, उसके बाद से पार्टी के ऊपर भी दबाव है और उनका जो गठबंधन है जो 25 साल पुराना है उसके ऊपर भी मतलब एक दबाव है। भारतीय जनता पार्टी भी एक पुराना गठबंधन है, एक ऐतिहासिक गठबंधन है, वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन अभी जो फिलहाल जो लगातार बहस चल रही है मुझे लगता है कि उसमें एक निश्चित रूप से एक मूल बिंदु जो होता है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हौसले थोड़े से बुलंद है, वो चाहती है कि लोकसभा में जिस तरह से गाजे बाजे के साथ आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है और इतनी चर्चा है, वो कम से कम अब राज्यों में विस्तार की जो योजना है उसको बल मिले। इधर उद्धव ठाकरे चूंकि वहीं तक अभी सीमित है, उनको ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर इस बार हम चूक गए तो ये फिर हम जो है बड़ा मौका हमसे हाथ निकल जाएगा, इसी बीच में बैलेंस नहीं बन। ठीक है, चंद्रशेखर राय साहब बीजेपी की तरफ से मुझे इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। राय साहब सवाल यह है कि यह 126 सीटों पर धीरे धीरे आंकड़ा पहुंच गया है, क्या आप 130 का इंतजार कर रहे हैं? देखिए बात 126 130 के नहीं है। आप अगर शुरू से देखें तो पार्टी ने एक निर्णय लिया कि बराबर सीटों पर चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी का वहां मुख्यमंत्री हो या शिवसेना का हो। पहले बात यह थी कि हम बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ें। उसके पीछे कारण अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप अगर 1995 से अगर आप इतिहास देखें तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों के आसपास चुनाव लड़ी, 117, 118, 119 के आसपास, और शिवसेना ने उसको वहीं जाकर 173, 175 पे जाकर के चुनाव लड़ा। लेकिन अगर सीट में स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सीट को विन करने की बात करें, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का रेशो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, कम सीटों पर ही। अगर मान लीजिए 117 पे सीटों पे चुनाव लड़ गए कि हम 66 सीटें लेके आए या 61 सीटें लेके आए, वहीं पर 179 सीटों पे लड़ करके वो लोग 72-70 पे, कहीं एक दो सीटों का अंतर हमारे बीच में रहा है। नहीं राय साहब, अगर अब मैं पूरी बात कर लेता हूं, राय साहब अगर स्ट्राइक रेट की बात की जा रही है
तो क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि शिवसेना से आप लोग बेहतर कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको पूरी बात कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात को, पूरी बात सुन लेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा आपको, बीच में ना टोके। मेरा ये कहना है कि आप अगर दोनों सीटों को देखें तो आप एक निश्चित 59 सीटें एक ऐसी सीटें हैं वहां पर जिसको शिवसेना कभी जीत नहीं पाई है, और वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग जीत निकाल पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर हम दोनों मिलकर के वही 120 सीटों पर हम आके लगते हैं तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सीधे रूप से उनको बताना चाह रही कि ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की नहीं बल्कि उस 70 सीटों को जीतने की जो आप जीत नहीं पा रहे हैं। अगर उस 70 सीटों में हम बराबर की सीटें ले लेते तो निश्चित रूप से वो सीटें बढ़ेंगी हमारी, और बढ़ने पे जब हम नंबर है, अगर विधानसभा लड़ना है तो आपको नंबर गेम है, वो नंबर गेम में हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। चेंज प्रोग्राम होना चाहिए। बीजेपी की भी 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं जीत पाई है। परिस्थितियां महाराष्ट्र में जैसी शिवसेना के साथ हैं, 19 सीटों पर आपकी परिस्थिति। मैंने आपसे क्या कहा, स्ट्राइक रेट में मैंने ये कहा कि 117 में से हम 65 सीटें निकालते अगर आए हैं, और अगर मान लो दूसरे आदमी 179 में से वही 65-60 सीटें निकाल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 सीटों का आंकड़ा ऐसा है जहां हम ज्यादा सीटें निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, राय साहब एक बात बताइए, अब तक जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है उस फॉर्मूले के तहत लोकसभा चुनाव में आप ज्यादा सीटों पर लड़ते आए हैं और ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव में शिवसेना लड़ती आई है, छोटे और बड़े भाई एक दूसरे को आप बताते हैं। ये फॉर्मूला का मामला नहीं है सुमित जी, आप बात को फिर मेरी आप बात समझ नहीं रहे। ये तो 95 से चल ही रहा था, जब से गठबंधन हुआ है तब से तो हम उनकी बात मान ही रहे थे। हमने कब कहा कि आप बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता नहीं निभा रहे? गठबंधन की राजनीति रही और हमने सर माथे पे रखा है लोकसभा के। ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं आप देखिए, ये रिसर्च हुआ है बाकायदा, इस रिसर्च में ये पाया गया है कि हमने सम्मान के रूप में उनको 179 सीटें दी, उन्होंने सम्मान के रूप में हमको 119 सीट दी, लेकिन उससे हुआ क्या फायदा? उससे फायदा एनसीपी और कांग्रेस लेके गई। वो उन 69 सीटों को जो फालतू ले रहे हैं या 100 सीटें जो फालतू ले रहे हैं उस सीट पे वो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। इस बार चुनाव जीतना निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि एंटी इनकंबेंसी कांग्रेस की और एनसीपी की इतनी ज्यादा है कि निश्चित रूप से वो जीतेंगे। लेकिन इस झगड़े में अगर हम वो सीटें छोड़ देते हैं तो फिर वही हाल हो जाएगा। राय साहब, शिवसेना कह रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों के रुख में परिवर्तन आ गया है, आप लोग जो हैं जिस जो एटीट्यूड लोकसभा चुनाव में था आप लोगों का वो अब नहीं है, अहम के शिकार हो गए आप लोग। नहीं नहीं, इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, गलत है। और ये प्रचार इस तरह से करने को, देखिए जहां होता है गठबंधन और जब हम सीटों की बात करते हैं निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन हमारा गठबंधन था और रहेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसी के चैनल पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। हाँ, सीटों को लेकर के थोड़ा बहुत विवाद होता है, ये अभी पहली बार नहीं हो रहा, हर बार होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उद्धव जी ने अपना मुख्यमंत्री का दावा ठोक दिया है, उनको लगता है बोल देने से इलेक्शन ऐसा दिक्कत ना हो जाए, परिस्थितियां यहां इसलिए थोड़ा बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम लोग 69 सीटें निकाल लेंगे आराम से, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, एक बार सीटें आने दीजिए फिर देखते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये विवाद इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं समझता मैं। और जैसे अब आप कह रहे हैं कि सीटें बढ़ते बढ़ते अब 4 सीटों तक रह गया, तो ये भी जो 4 सीटें ये भी निपट जाएगा मामला, और मुझे लगता है अब निश्चित रूप से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, दुष्यंत कुमार शर्मा साहब, सवाल ये है कि आप लोग भी बीजेपी शिवसेना से अलग नजर नहीं आ रहे हैं। अगर इस गठबंधन की बात की जाए, आप लोग भले ही बीजेपी शिवसेना पर कहीं ना कहीं निशाने साध रहे हो, लेकिन आपकी अपने घर की जो सुलह है वही नहीं, एक साथ नहीं हो पा रही। जी, हमारा 3 टर्म की सरकार वहां है, और एनसीपी और कांग्रेस दोनों की आइडियोलॉजी एक ही है, एनसीपी कांग्रेस में से ही निकली है। आप, मैं बड़े उससे गौर से उनकी बात सुन रहा था, हमारे चंद्रशेखर राय जी कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे इस बात के लिए कि ये इलेक्शन टाइम पे कुछ खींचातानी दलों में होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात जाके तय हो जाती है, उसमें हमारा उनका कोई खास झगड़ा भी नहीं है, और वो बातें जो आज डिस्कस भी हुई हैं। नहीं, झगड़ा नहीं है तो जो अब तक फॉर्मूला 1990 से चला आ रहा था वो फॉर्मूला अब क्यों बदल रहा है? लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां हुई इस वजह से परिवर्तन की बात हो रही है? कांग्रेस को अपने ऊपर भरोसा नहीं है या एनसीपी को ज्यादा भरोसा हो रहा है कांग्रेस से अपने ऊपर? देखिए, ऐसा है, हमेशा जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टी चाहती हैं कि वो ज्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ें, ये बात रहती है, लेकिन फिर भी ये कोई झगड़ा नहीं है। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि शरद पवार साहब का बयान आया था, बोले कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, इस बार भी वो बयान आया, उसके पहले भी वो बयान आया था, लेकिन ये सब बातें तय हो जाती हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब गठबंधन में आप कोई चुनाव लड़ते हैं या गठबंधन में आप सरकार चलाते हैं तो एक कॉमन बात पे फैसला हो जाता है, और हमारे यहाँ उतनी ज्यादा खींचातानी इस बात को लेकर नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे कल भी मैं चर्चा में था इसी विषय पे, हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और दोनों साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, वो कोई भी। दरअसल दिलचस्प ये हो रहा है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावा इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि जिस बार गठबंधन नहीं टूटने वाला है, लेकिन 4 पार्टियां
गठबंधन दो का है, जिन एक साथ से बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी, दोनों पार्टियां गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, चारों पार्टियां गठबंधन यहां तोड़ना नहीं चाहती हैं, और दावा भी यही किया जा रहा है गठबंधन आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि फॉर्मूला आगे नहीं आ रहा है। मैं यहां पर राय साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूं, लड़ाई किस चीज की है, सिर्फ सीटों की या मुख्यमंत्री पद की? नहीं, लड़ाई न सीटों की है न मुख्यमंत्री। मैंने आपसे एक बार बहुत खुल के बताया कि हम लोग ने रिसर्च किया, लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 95 से मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सीटें जहां पर शिवसेना कभी चुनाव जीती नहीं है उसकी संख्या अगर 2, 4, 10, 15 होती कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, वहां उसकी संख्या 69 सीटों की संख्या है। उन सीटों पर विवाद है और कोई विवाद नहीं है, जहां चुनाव लड़के जीतते रहे वहां भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप मत चुनाव लड़िए, और जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़की जीती वो भी नहीं कह रही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि वो सीटों पे आप कभी जीत नहीं पाए हैं, इस बार आप मौका दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बराबर करिए और उसके बाद जो नंबर ऑफ सीट बनेगी उसके बाद निर्णय करेंगे किसका मुख्यमंत्री। जब हम दो आदमी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ऐसी स्थिति में किसी को मुख्यमंत्री घोषित करना, तो वो तो न हम उद्धव जी के लिए कह रहे हैं न हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, तो इसलिए कोई लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर के या नंबर ऑफ सीट को लेकर नहीं है, लड़ाई सिर्फ एक गणना को है जिसको लेकर बात कही जाएगी, अगर हमको सरकार बनानी है तो हमको सीटें जीतना बहुत जरूरी है। नहीं, अगर उद्धव ठाकरे इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं कि अगर उन्हें इस तरीके की कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो तैयार है, तो इतना तो आप लोग मानते हैं कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कह दिया है कि वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है? तो डायरेक्टली कहा है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कह दिया, तो लेकिन आखिर में घूमकर तो पद की बात आ गई ना दोनों पार्टी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हाँ। भाई मुख्यमंत्री कब बनेंगे आप? मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब आप सीटें जीत के आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिकॉर्ड ये कह रहा है 1995 से कि आप 73, 72, 73 से ऊपर नहीं जा पा रहे 177 सीटों को लेने के बाद भी, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप उन सीट को बढ़ाएं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एक अच्छा समय है, 10 साल का कुशासन रहा है कांग्रेस का, बहुत सारे घोटाले रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन इतना मजबूती से चुनाव लड़े कि जिन सीटों पे वो चुनाव हारता था, जिन सीटों पे चुनाव नहीं निकाल पाते थे उन सीटों को भी हम निकालें, उन सीटों को हम वहां ना दें, क्या कमजोरी रही है? अब क्या होता है चुनाव में, मेरी बात को सुनिए सुमित जी, मैं उसको और क्लियर कर देता हूं। कई जगह वोट बैंक जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर अर्बनाइज की तरफ आप देखें तो कई कारणों से बटा हुआ है, आप जैसे बाहरी लोग हैं वहां पर, जैसे गुजरात मुद्दा है, जैसे कर्नाटक का है, जैसे बिहार यूपी का है, मेरी बात को सुन लीजिएगा, इसमें कोई नया विवाद मत ढूंढिएगा, पर उन सीटों पे ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि अगर हम ऐसे इन चीजों को छोड़ते हैं, ये मैं बड़ा बेबाक होकर इस बात को कह रहा हूं, आप नए क्वेश्चन इसमें से ढूंढना शुरू कर देंगे, पर ये सीटें हमारे हाथ से निकलती हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नहीं, अब वो सीटें नहीं निकलनी चाहिए, हमको एक पॉलिसी के तहत, गुड गवर्नेंस के तहत, विकास के मुद्दे को लेकर के और कांग्रेस के 10 साल के कुशासन के नाम पर हमको ये चुनाव को लड़ करके सीटें निकालनी। नहीं राय साहब, मैं विवाद नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं सवाल ढूंढ रहा हूं, जाहिर है सवाल तो जो आएंगे वो तो मैं बीजेपी या कांग्रेस या जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जरूर पूछूंगा। सवाल मेरा ये है कि आप फॉर्मूले की जो बात कर रहे हैं या यहां पर जो रिकॉर्ड की बात की जा रही है कि बीजेपी या शिवसेना यहां पर अपनी सीटें नहीं जीत पाई हैं, उसका फायदा कांग्रेस और एनसीपी को मिला है, लोकसभा चुनाव की ये जो परिस्थितियां थी उसमें भी कोई रिकॉर्ड बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नहीं दिख रहा था। सवाल यह है अगर उस वक्त रिकॉर्ड्स को कंसीडर किया जाता तो आप लोग बड़े बड़े दावे ना करते और केंद्र में सत्ता आप लोग नहीं पहुंचते। सवाल तो यह है आज की जो परिस्थितियां हैं इसमें क्या सिर्फ रिकॉर्ड को देख रहे हैं आप लोग या आज की परिस्थितियों को देख रहे हैं जहां पर एक आ जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर है? नहीं, क्यों नहीं, रिकॉर्ड क्यों नहीं था उस समय जब हम लोकसभा की बात कर रहे थे? तो निश्चित रूप से पूरे भारत में एक मोदी की लहर थी और वो नहर रिजल्ट में, सुनिए मेरी बात, नहर रिजल्ट में तब्दील हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की, तो क्या उसमें अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में सरकार बनती है तो क्या भारत सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि जो गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की तो क्या उसमें क्या महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा? मेरा तो यही कहना है कि अभी सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय जल्दबाजी में करने से कोई फायदा नहीं है। जरूरी यह है कि जो सीटें हम हार रहे थे जरूरी है वो सीटों पर हम लोग जीत निकालें और एक बार मिलकर लड़े, जब रिजल्ट आएगा तो बैठ के चर्चा करेंगे। दरअसल ऐसा महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि एनडीए सरकार जिस वक्त लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही थी उस वक्त आप लोगों की गठबंधन तब भी था और नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया, यहां पर आप कह रहे हैं कि पहले हम चुनाव जीतेंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का जो चेहरा आगे। आप मुझे बताइए क्या क्या महाराष्ट्र में कोई ऐसा आदमी था, उद्धव ठाकरे जी के पास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में करा पाते? चलिए ठीक है, यहां पर दुर्गे जी, ये सीटों की लड़ाई है या मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है? राजीव प्रताप रूडी साहब का बयान अभी कुछ देर पहले आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीटें बढ़ा लीजिए या कम कर लीजिए लेकिन मुख्यमंत्री का जो दावेदार है उसका डिसाइड अभी नहीं होना चाहिए,
नहीं होना है, सस्पेंस डालना है या अपने हाथ में एक सिक्का रखना है या तुरुप का पत्ता रखना है? देखिए सुमित, इसमें सबसे बड़ी जो बात है जो हम लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि अभी राय साहब कह भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन सीट्स पर जो है अपना एक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहती है जहां शिवसेना अच्छा प्रदर्शन पहले नहीं करती आई है, लेकिन इसके पीछे के एक मोटिव जो है जो पार्टी का, पार्टी कहीं ना कहीं एक इक्वल पार्टनरशिप चाहती है। पार्टी इस बात से भी खुद को असहज महसूस कर रही है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है, तो बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे दोनों पार्टियां ही जानती हैं कि अगर भाई कांग्रेस और इसका जो एनसीपी का 10 साल का शासन रहा है, अगर उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेना है तो निश्चित रूप से इस डिफरेंसेज को जल्द से जल्द सुलझाना होगा और फिर आगे आना होगा। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा दारोमदार जो है शिवसेना का है, उतना ही बीजेपी का है, और अलायंस मुझे लगता है कि कहीं बिखरने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो रस्साकसी चल रही है और इसमें जो थोड़ी बयानबाजी हो रही है वो थोड़ा सा दिलचस्प और कहीं ना कहीं माहौल को थोड़ा सा खराब कर रहा है। ठीक, दुष्यंत साहब, सवाल ये है कि कांग्रेस एनसीपी दावा कर रही है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई है, मुख्यमंत्री का जो पद है वो उन्हें सत्ता की ओर लाने के लिए यहां पर सीटों के बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आप लोग 144 सीटों की बात कर रही हैं, 1990 वाला फॉर्मूला यहां पर बदला जा रहा है, 144 सीटें और 144 यानी 50-50 का फॉर्मूला आप लोग लागू करना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या यह मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई नहीं है? जो पार्टी जीतेगी ज्यादा सीटें उसकी होंगी, जाहिर है मुख्यमंत्री उसी का होगा। वो भी होता है, लेकिन आप पिछले बार का देखें तो पिछले बार हमारी सीटें 2 शायद कम थी एनसीपी से। आपके पास सीटें भी ज्यादा थी? नहीं, सीट्स भी ज्यादा थी हम पे, लेकिन आपके पास 82 सीटें थी। 82 सीट्स थी हमारे पास में, लेकिन एक बार मैंने देखा था उसमें 2 सीट एक बार कम आई थी, तो तब भी हमारी पार्टी के सीएम बने थे। तो हमारे यहाँ वो लड़ाई नहीं है क्योंकि हम पहले से डिक्लेयर कभी करते भी नहीं है। दूसरा, जो हमारे नहीं पिछले जो इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से आपके मुख्यमंत्री लगातार बदले हैं, तो एनसीपी के जहन में जरूर होगा कि एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों के खिलाफ है, इसलिए एनसीपी चाहती है कि कहीं ना कहीं उसको भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए। देखिए सुमित चौधरी साहब, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अपना अपना जो हित है वो सोचती हैं और उसी हित में वो बात भी करती हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी कि वहाँ हमारी सरकार बदलेगी, वहाँ हम सरकार तीसरी बार लाएंगे। और जो ये बात ये कर रहे हैं कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी होगा, हमने वहाँ जो भी काम विकास के किए हैं उनमें कुछ काम ऐसे भी हैं जो लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं जिनको, और कुशासन की बात कर रहे हैं तो कुशासन तो उन्होंने पूरे देश में भी कहा था। उन्होंने जो रिकॉर्ड्स की बात ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स अगर मान लो खाली पार्लियामेंट पे तो लागू नहीं हुआ, जो आपने प्रश्न किया कि उस टाइम कहाँ इन्होंने रिकॉर्ड्स लागू किए, आज ये अपने गठबंधन में रिकॉर्ड्स लागू कर रहे हैं। तो ठीक है, वो वैसे इनका अपना मामला है, इनका आपस का गठबंधन है, ये उसको कितनी जल्दी करें या ना करें, टूटे या कुछ हो, लेकिन वहाँ जो सरकार हमारी है उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो उसके जो उसने डिलीवर किया है, जो उसने डेवलपमेंट के काम हुआ किए हैं, हम उसमें कहीं पिछड़ नहीं रहे और हमारा गठबंधन भी पे भी कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि हम स्वाभाविक गठबंधन है हमारा, हम दोनों की सोच एक है, हमारी आइडियोलॉजी एक है और हम लोगों का एजेंडा भी लगभग एक है, हम उसी विकास के रास्ते पर चलेंगे और हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब इनके यहाँ क्या है कि पिछले बार पार्लियामेंट में जो बीजेपी शायद ज्यादा सीट पर लड़ गई है, और ये क्योंकि ये नेशनल में बीजेपी ज्यादा लड़ती है और लोकल पे जो शिवसेना है वो ज्यादा लड़ती है, उसको लेके झगड़ा है। उसको झगड़े के साथ साथ उद्धव ठाकरे सीएम के कैंडिडेट हैं जो बीजेपी अभी नहीं चाहती है, और दूसरा जो बड़े लीडर्स वहां थे जो पूरे इस गठबंधन को देखा करते थे। नहीं दुष्यंत साहब, 2 बार आपकी सरकार अब तक रह चुकी है, 3री बार के आप लोग दावा कर रहे हैं, फॉर्मूला क्यों चेंज कर रहे हैं? नहीं, फार्मूला चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोगों में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कोई फार्मूला चेंज की बात नहीं है, हम लोगों की एडजस्टमेंट है आपस की। आपने देखा होगा कि पिछले बार भी माननीय 2 बार अगर आप लोग कामयाब हुए हैं तो सवाल ये है कि क्या अब पहले वाले फॉर्मूले पे भरोसा नहीं रहा लोकसभा चुनाव से, क्या भरोसा उठ गया उस फॉर्मूले? नहीं, ऐसा नहीं है, जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है और जो इलेक्शन के तरीके हैं वो चेंज होते हैं, और जब हम इलेक्शन में जाते हैं या कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो अलग अलग एजेंडे के साथ जाती है, अलग स्ट्रेटेजी के साथ जाती है। अब ये लोग जो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जैसे बीजेपी कह रही है कि हम बड़ी पार्टी है तो हमें ज्यादा होना चाहिए, तो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, तो उन्हें लग रहा होगा कि भाई वो उन सीट्स पर जीत सकते हैं जिन पर शिवसेना नहीं जीतती है, जबकि जो दूसरी जो शिवसेना है वो ये कह रही है कि हम लोकल पार्टी हैं और हमारा वर्चस्व ज्यादा है और जरूरी नहीं है कि जो सीटें हम हार गए हैं वो इस बार नहीं जीतेंगे, ये ऐसा होता भी है।
कि कई जगह ये होता है कि जब अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हार जाते हैं अगले बार जीत जाते नहीं। दुष्यंत साहब, अगर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से हुए और उसके बाद पूर्ण बहुमत यहाँ पर बीजेपी को मिला, और विधानसभा चुनाव में अगर महाराष्ट्र में एक नई रणनीति अपनाई भी जा रही है, 59 सीटों की बात यहाँ पर राय साहब भी कर रहे हैं कि शिवसेना जो है 59 सीटों पर जो है हारती रही है, उन पर विचार किया जाना चाहिए, पुनर्विचार यहाँ पर चाहती है, इस बात को कंसिडर किया जा सकता है। सवाल यह है कि कांग्रेस एनसीपी कौन सा मंथन कर रही है, क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी उनसे एनसीपी के अंदर डर है कि कांग्रेस की वजह से उनको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो पिछली बार कम सीटों पर थे, इस बार आपकी सीटें लेकर कहीं ना कहीं उस फायदे को भुनाना चाहते हैं ना। देखिए सुमित जी, मैं इसमें, मुझे आप दो मिनट देना, मैं इसमें आपको पूरी स्थिति क्लियर करूंगा। जो पार्लियामेंट इलेक्शन था, पार्लियामेंट इलेक्शन का जो फेस थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब बाय इलेक्शन हुए, अभी जब बाय इलेक्शन दो बार हुए, दोनों में बीजेपी हारी, तो उन्होंने कहा कि उसमें प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं थे। और अब जो इलेक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है और दूसरे प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, तो वहां प्राइम मिनिस्टर फिर फेस है, और अगर वो हार गए तो वो फेस नहीं है, और अगर वो जीत गए तो प्राइम मिनिस्टर फेस है। अच्छा, तीसरा एक और बात, जहां हम लोगों की जो स्थिति है, जहां एनसीपी की और कांग्रेस की बात है, तो आप इस बात को पिछले रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड्स की बात है, रिकॉर्ड्स आप पूरा वो उठा के देखिए कि हम लोगों में ये बातें हुई हैं, और कोई भी दल, आप इसको निष्पक्ष भी देखें, तो कोई भी दल ये चाहेगा कि उसको ज्यादा सीट्स मिलें। लोकल में हमेशा एनसीपी ये चाहती है कि उस स्टेट में उनको ज्यादा सीट्स मिलें, लेकिन हम लोगों का कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि हमारा गठबंधन टूटता नहीं है, वो टूटेगा भी नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी एक है। उसी तरह जो मैं आपको, मैं भी पूर्व में कुछ सहमत हूं इस बात से कि हमारा गठबंधन शिवसेना से नहीं हो सकता, हमारा गठबंधन बीजेपी से नहीं हो सकता, उसी तरह इनका गठबंधन भी हमसे नहीं हो सकता, और इनका गठबंधन भी मुझे लगता है कि सुरक्षित है, वो थोड़ा चार सीट का इनका मामला है, तो ये इस बात को तय करता है। और अभी कोई ऐसा भी नहीं है, कोई टाइम निकल गया है, 27th लास्ट डेट है, लास्ट टाइम तक भी ये सब चीजें होती हैं, टिकट्स चेंज होते हैं और बातें तय होती हैं, और पार्टी जो इलेक्शंस में जाती है, हम इस बात के लिए एश्योर हैं। देखिए, आप शासन चलाते हैं 10 साल की, जैसी एंटी इनकम्बेंसी आजकल एक मतलब बड़ा मेन वर्ड हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। दुष्यंत जी, सवाल यहां पर इसलिए आता है क्योंकि उम्मीदवारों के नाम के ऐलान तक होने की बातें सामने आ रही हैं कि कुछ देर में कि आपके लिए उम्मीदवारों के जो है नाम का ऐलान हो सकता है, और सवाल यह है कि सीटों का बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किस बिना पर हो रहा है, क्योंकि अगर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है तो गठबंधन कहां रहा, सवाल यहां पर आता है। बहरहाल वापस आऊंगा मैं आपके पास। दुर्गेश जी, कांग्रेस और एनसीपी की परिस्थितियां क्या बीजेपी शिवसेना से अलग है? देखिए, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि आज जो है एनसीपी अब एक कहीं ना कहीं एक अपना पार्टनरशिप थोड़ा ज्यादा चाहती है, और जिस तरह से अभी आज चौहान साहब का बयान आया है कि भाई अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर गठबंधन जो है बचाना जरूरी तो है, लेकिन दूसरे विकल्प भी खुले हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने आप को थोड़ा प्रेशराइज फील कर रही है। और इस बात को समझना होगा कि एनसीपी ये चाहती है कि भाई आप जो है, अभी हम आपके साथ सरकार में थे, अब हमको चुनाव लड़ना है, जाहिर सी बात है कि एनसीपी को साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से भी बीजेपी और शिवसेना में रसाकसी चल रही है, भाई अगर कहीं ना कहीं इस बात का एक जो पार्टिसिपेशन है वो एनसीपी थोड़ा ज्यादा चाहती है, कांग्रेस अभी देना नहीं चाहती है। तो जैसा कि अभी दुष्यंत जी कह रहे थे कि बिल्कुल मौजूद चीज है कि जिस तरह से जो कश्मकश अभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में चल रही है, उसी तरह की कश्मकश कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस में चल रही है। क्या जो लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां बनी उससे पहले कांग्रेस हमेशा ज्यादा सीटों पर लड़ती आई, बीजेपी एनसीपी ने जो है हमेशा कम सीटों पर चुनाव लड़ा है, इन परिस्थितियों में ये क्यों ना माना जाए कि लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां बनी उसके लिए जिम्मेदार एनसीपी कांग्रेस को मान रही? आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी को यह लगता है कि इस बार जो लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है वो बिल्कुल मतलब खराब रहा है, तो अब भाई विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसके पास अब एनसीपी के पास एक मौका है, वहां पर उसका एक अपना एक स्ट्रांग बेस है, वो अपने उस पार्टनरशिप को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिस तरह से बाई इलेक्शंस में बीजेपी जो है का जो हाल हुआ है उससे उसमें एक आशा जगी है, वो उसको ये लग रहा है कि अगर हम सीटों की शेयरिंग में अगर इस बैलेंस को हम थोड़ा दबा के रखते हैं एनसीपी को, तो शायद हम जो है आगे चल करके इसको हमको लीड मिल सकती है, और एनसीपी के अपने मंसूबे बड़े हुए हैं, तो बीच में कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा सुमित, और इसी की वजह से इस तरह की जो है लगातार बयानबाजी चल रही है। ठीक है राय साहब, सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, बाला साहब ठाकरे नहीं बनना चाहते थे, पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पर बाला साहब ठाकरे इस दुनिया में नहीं है जिनकी अनुपस्थिति में यह चुनाव होने वाले हैं, परीक्षा किसकी है, बीजेपी की या शिवसेना की?
परीक्षा की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि अभी उद्धव ठाकरे जी ने बहुत जल्दबाजी कर दी है ये कह करके कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ा जाता है, नंबर्स आते हैं, नेता चुना जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव हो तो अच्छी बात है। जब आप गठबंधन में लड़ रहे हैं और सीटों की संख्या इतनी पर्याप्त नहीं है कि आप अकेले दम पे सरकार बना सके, तो ऐसी स्थिति में वहां मुख्यमंत्री घोषित करना ठीक नहीं है। होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि तब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तब होना चाहिए जब म्यूचुअली आप उस पर एग्री हो। जब हम ये बात कह रहे हैं कि नहीं साहब, अभी तो सीटों का बंटवारा ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है, जिन सीटों को आप बार बार हार रहे हैं उसको सीटों को आप एक तरफ करके उस पर जीतने की कवायद किए जाए, तो उधर जो कि मैं मानता हूं कि मेरा व्यक्तिगत एक सलाह है कि ये मैच्योरिटी नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मुझे मुख्यमंत्री बनना है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पहले सरकार बनाने के लिए हम नंबर बनाएं और उन सीटों का चुनाव पे कहीं वो न, तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जिन सीटों पे आप चुनाव लड़ते हैं हम वहां नहीं लड़ने देंगे, न भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि जिन सीटों पर आप हारते आए हैं लगातार उन सीटों पर, उन पे आप पुनर्विचार करिए, उन सीटों पे एक इस तरह से फॉर्मूला बनाइए कि उसमें से इतनी सीट हमको दीजिए जिससे हम बराबर में आके चुनाव लड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए उद्धव ठाकरे लगता है कि भाई वो अपने आधी सीटों के बाद अगर चुनाव लड़ करके नंबर ज्यादा ले आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कैसे मना करेगी उनको, वो निश्चित रूप से दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी बने। राय साहब, अभी यहां पर कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे, मैंने ये कहा कि आपसे कि एनडीए के जिस वक्त आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे उस वक्त आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया, आपने कहा कि हमारे पास, हम क्या उद्धव ठाकरे को लेकर सामने आते, क्या शिवसेना को, जाहिर है शिवसेना और बीजेपी के अंदर काफी फर्क है अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, तो क्या शिवसेना के जहन में यह बात नहीं होगी कि महाराष्ट्र के अंदर उनकी स्थिति बिल्कुल लगभग बराबरी की है, जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि केंद्र हमने आपको दे दिया है, महाराष्ट्र हमें दे दीजिए, वही वो कहना चाहते हैं ना? नहीं, आप फिर केंद्र आपको दे दिया है, क्या परफॉर्मेंस हमने करके नहीं दिखाई? हमको तो जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब से लेकर के, मैंने जो बात गिनवाई आपको, जब से बाला साहब ठाकरे जिंदा थे 1995 से अगर हम चुनाव की अगर बात करें, जब से गठबंधन की बात करें, तो आप देखेंगे कि हमेशा जो शिवसेना ने कहा कि नहीं साहब हम 179 पर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने शर्माते हुए उनको कहा कि नहीं साहब आप लड़िए, और लड़ करके वो यही हाल हुआ कि वो 73 सीट पे हैं, हम 170 सीट पे लड़ करके 65 पे हैं, फिर वो 73 से 69 पे आ गए, हम 66 पे चले गए, हम 117 पे 66 लेके आ रहे हैं, आप 173 में से जाकर के 77 लेके आ रहे हैं, तो ये चीजें तो हम लोग अभी तक मानते आए हैं, ये फॉर्मूला हमने कभी उनके मान सम्मान में कभी नहीं करी, लेकिन इस बार निश्चित रूप से जीत दिखाई दे रही है। जीत हम पहले भी जाते अगर ये फॉर्मूला पे जिद उस समय नहीं होती, आज हमको दिखाई दे रहा है कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जीतने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं साहब हम तो बराबर की बात कर रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा कि उद्धव जी आप कम पे लड़िए, जीतने के बाद हम नंबर ऑफ सीट जीत लेके लेके आते हैं, विधानमंडल में बात होगी, आपको बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री, लेकिन आज आप पहले तय कर दें सारी चीज, समीकरण अपने आप कह दें, पहले घोषणा कर देने से मुख्यमंत्री थोड़ा तय हो जाएगा कि आप 20 दिन पहले कह दें साहब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पहले बोल देने से नहीं है मामला, पहले तो यह कि नंबर लेके आए, हम चुनाव जीते, मिलकर के बात करें, और हल्की बातें करने से समाज में दूसरा एक मैसेज जा रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी तोड़ने या टूटने की बात नहीं की। दुर्गे जी, सवाल यह है कि क्या चल रहा है उद्धव ठाकरे के जहन में, शिवसेना के जहन में, क्या उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि बीजेपी और शिवसेना की परिस्थितियां या स्थिति महाराष्ट्र में एक बराबर की है और इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की बात अलग थी, क्या सोच रहे हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना क्या उनको भारी पड़ने वाला है? देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि भारी पड़ने वाला है, हाँ थोड़ा सा एक मेच्योर इसको स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा, जब आप चुनाव में जा रहे हो, जब अभी आप गठबंधन में हो और आपका गठबंधन 25 साल पुराना हो, और जैसा कि अभी हम लोग इसी चर्चा में आपस में बात भी कर रहे हैं कि भाई जो परफॉर्मेंस रही है आज भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र में सरकार है और एक मजबूत सरकार है, विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो उनके हौसले बढ़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि आपने उनको उस राज्य में सहयोग किया है और आप उनके पुराने जो है साझेदार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपने जल्दबाजी दिखाते हुए इस बात को का जो अनाउंसमेंट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी खुद को इस बात पर थोड़ा असहज महसूस कर रही है, अब आप धीरे धीरे अगर बीच का एक बैलेंस नहीं बनाएंगे तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है जिसका कि लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अभी जो है अपनी रणनीति बना रही है और जिसके आधार पर आप भी सत्ता में आने के लिए एक जो है भरोसा पाले हुए हैं, मुझे लगता है कि आपके उस विश्वास को फिर ठेस पहुंचेगी। और अब बीच में जैसा कि जब स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे तो जाहिर सी बात है, या मुंडे जी थे,
थे तो एक बीच का कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रांग था, अब कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। अमित शाह जी ने आज सुबह मान लीजिए कि बात करके कहा कि भाई गठबंधन को बचाइए, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपको एक मौका भी दे रही है और अगर आप उसमें गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आगे चलकर कि इसका नुकसान होगा। बीजेपी शिवसेना एक बात और कहूंगा बीच में इनकी बात बढ़ाते हुए कि ये जो लोकसभा चुनाव हुए हैं जिन उनसे सीटों की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव लड़ी है और वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जीत के आई है उन सीटों पे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं साहब आप हमको लड़ने दीजिए लोकसभा चुनाव में, उन विधानसभाओं में जहां आप बहुत ज्यादा माइनस में जाते थे हम लोग नहीं ले पाते थे वहां हम जीत रहे हैं। तो इन आंकड़ों में ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी कोई बात हो रही है कि नहीं साहब आप 95 लड़े थे, आप 99 लड़े थे, आप 2004 में लड़े, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में जो चुनाव में रिजल्ट आया है वो उस लोकसभा की 10 विधानसभा में से अगर मान लीजिए 5 वो सीटें हैं जो 59 में आती हैं वहां हमने बढ़त दिखाई है। हम कह रहे हैं अपने भाई को, हम शिवसेना से ये कह रहे हैं कि साहब हमारी बात को सुनो, ये रिजल्ट रखा 4 महीने पहले का, आपका ये 20 साल का रिजल्ट है, आप दोनों को मिलाइए और हम लोग निकाल लेते हैं सरकार को। अगर आप लोग ये कहना चाह रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है, आप नेताओं या नेतृत्व की कमी? मैंने आपसे क्या कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यहां उद्धव ठाकरे जी मैच्योरिटी के संग बात नहीं कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि एंटी इनकमसी है, कांग्रेस का कुछ शासन रहा है, इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस हारेगी और हम जीत जाएंगे, मैं मुख्यमंत्री के बोल दूं और काम बन जाए। हम नहीं, तो आपको तो सर माथे में बिठा के मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। वो तो ये नंबर तो है कि जिस वक्त गोपीनाथ मुंडे थे या प्रमोद महाजन थे वो बाला साहब ठाकरे के साथ बातचीत करके मुद्दों को सुलझा लेते थे। बात तो अभी भी हो रही है साहब, ऐसा है हमारे लिए बहुत दुखद है कि आज हम लोग बीच में गोपीनाथ मुंडे जी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे शीर्ष नेताओं की कमी नहीं है जो इस मुद्दे पे लगातार संपर्क में ना बने हो। भारतीय जनता पार्टी में स्टेट लेवल पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गडकरी जी बात कर रहे हैं, जावड़ेकर साहब बात कर रहे हैं, अमित शाह जी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोकसभा के इतने सारे सांसद बने हैं वो लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वहां पर बात करने वालों की कमी है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है मुंडे साहब बड़े नेता थे वहां के, उनके नाम पे चुनाव लड़ने की मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, आज उनके न रहने से उनकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। यहाँ पर राय साहब भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के गठबंधनों की तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन यहां पर अभी है, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी साथ साथ रहने वाले हैं, बीजेपी और शिवसेना, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर दोनों गठबंधन लेकर सामने आएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। दरअसल सवाल 25 साल के गठबंधन का भी है और कांग्रेस एनसीपी के 15 साल के गठबंधन का भी है, विकल्प क्या बचता है दोनों गठबंधनों के पास। सवाल यह भी है कि क्या अगर गठबंधन टूटता है तो चारों पार्टियों के पास विकल्प क्या बचता है, महत्वपूर्ण क्यों है इतना यह गठबंधन। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ तब आया जब आज से 25 साल पहले बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ। 1989 में स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने शिवसेना बीजेपी साझेदारी में अहम भूमिका निभाई थी। तब बाला साहब ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना का सूबे की राजनीति पर अलग ही छाप बनी हुई थी। साल 1989 के बाद बीजेपी और शिवसेना ने अपना आधार ग्रामीण महाराष्ट्र में भी फैलाया और वर्तमान में वो ऐसी पार्टी है जिसका शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत जनाधार है। सूबे में बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के देहांत के बाद राजनीतिक परिदृश्य में प्रचंड रूप से बदलाव आया है। मुंडे ने महायुति के द्वारा छोटे पार्टियां जिनमें स्वाभिमान संगठन आरपीआई राष्ट्रीय समाज पक्ष से साझेदारी की। ये सूबे में ओबीसी और दलितों को एक साथ लाकर मराठा प्रभुत्व वाली पार्टी एनसीपी को पटखनी देने की उनकी कूटनीतिक चाल थी। ये पहली बार नहीं है कि गठबंधन पर टूट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले गठबंधन पर खतरा मंडराते ही मातोश्री के करीबी प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे पहल करते थे, लेकिन अब दोनों मास पेस के नेता के न होने से गठबंधन को बचाने वाला कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। सुदेश न्यूज के लिए गणेश पाठक के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट।
उपाध्याय साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे शिवसेना की तरफ से थे और प्रमोद महाजन साहब और गोपीनाथ मुंडा जी ये बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बचा लेते थे, क्या अब ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये नेतृत्व विहीनता की वजह से बन रही हैं? देखिए, ये नहीं कह सकते कि नेतृत्व विहीनता है, क्योंकि अभी भी जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो लगातार संवाद कर रहे हैं। थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि एक इमेच्योरिटी जो है शिवसेना की तरफ से ये हुई, जो कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो थोड़ा सा खुद को असहज भी महसूस कर रहे हैं कि उद्धव जी ने अपने जो पुत्र हैं आदित्य ठाकरे उनको भी इसमें क्लब करके आगे बढ़ा दिया, तो इससे थोड़ा सा ये एक मैसेज बहुत पॉजिटिव नहीं गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों में आपस में गठबंधन को बचाए रखने की कवायद भी है। दोनों जानते हैं कि अगर मिल के लड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर बिखर जाएंगे दोनों को नुकसान होगा। यही हाल कहीं ना कहीं एनसीपी कांग्रेस में भी है। तो जो चारों पार्टियां हैं, और बड़ा एक दिलचस्प इस वक्त वातावरण बन गया है राजनीतिक वातावरण दिल्ली से लेकर के और महाराष्ट्र में, और अभी ये सीटों के जो तालमेल की जो लगातार ये बहस है, रोज नई नई खबरें आ रही हैं, अभी चार सीटों पर क्या होगा, एनसीपी कांग्रेस कहां पर जाकर के टिकेंगे, तो मुझे लगता है कि हमको 27 तक इंतजार करना पड़ेगा और आखिरी मिनट तक जो है सुमित ये जो रस्साकसी है वो चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही जो गठबंधन है महाराष्ट्र में ये दोनों सलामत सलामत रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत इस बीच में आपस में रस्साकसी। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि गठबंधन आप लोगों का सलामत जरूर रहेगा, दोनों ही पार्टियों कह रहे हैं। वैसे तो सवाल ये है कि क्या एक नया फॉर्मूला तलाशा जाएगा या नया साथी तलाशा जाएगा? दुष्यंत जी, नहीं, नया साथी, मैंने आपको शायद आपने मेरी पूरी बात पिछले बार सुनी होगी, मैंने दोनों पार्टियों के बारे में ये बात कही थी कि एक्चुअल जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी दोनों पार्टीज की, एनसीपी कांग्रेस की, वो दोनों की एक ही आइडियोलॉजी है, दोनों एक ही है लगभग, और कांग्रेस में से ही एनसीपी निकली भी है। और आप इनके बारे में मुझसे अलग हुई थी शायद, इसलिए शरद पवार साहब बाहर आ गए थे। नहीं, कोई नहीं, उससे अब बाहर भी तो चलता रहता है, लेकिन आइडियोलॉजी एक ही है। और जो ये लोग हैं इनका भी लगभग एक ही है। ये लोग इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसा संभव नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ अलायंस हो और या शिवसेना के साथ जाए या वो हमारे साथ आए, इसमें उनका भी वो स्वाभाविक साझेदार है और ये भी हमारे स्वाभाविक साझेदार है एनसीपी। तो इसलिए गठबंधन रहेगा, थोड़ा इलेक्शन टाइम पे जिस बात को आप मतलब चर्चा तो हो रही है, लेकिन ये चर्चा का इतना बड़ा विषय नहीं है कि नहीं। दरअसल तीसरे विकल्प की जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हाल ही में एमएनएस और कांग्रेस की कहीं ना कहीं नजदीकियां देखने को मिली हैं। मेयर जो बनते हैं वो कांग्रेस की सहायता से एमएनएस के बनते हैं, तो उस विकल्प पर नहीं सोचा जा रहा है? नहीं, वो कॉरपोरेशन का मामला है, कॉरपोरेशन के मामले में हो सकता है, लेकिन अभी जो ये असेंबली इलेक्शंस जो वहाँ होने जा रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात अभी नजर नहीं आ रही है। और इसमें हमें हमारा जो हम अपनी आपको इनकार किया जा सकता है दुर्गेश सर? देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है राज ठाकरे और एमएनएस क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में मूव करेंगे, ये अभी कहीं पर भी आप बड़ा एक दिलचस्प चीज है सुमित, वो कहीं भी चर्चा में नहीं है। वो इस विधानसभा चुनाव में उनका स्टैंड क्या है, वो कहां पर खुद को जो है रखते हैं, किसके साथ जाएंगे, किसी के समर्थन से लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्या करेंगे, या एक सेफ पैसेज जो है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को देंगे, परिवार का भी मामला है, लेकिन ये अभी पत्ते खुले नहीं है। मुझे लगता है कि शिवसेना को एक बात जो है वो सुमित सता रही है, थोड़ा सा अगर इतिहास पर नजर डालें, जब गोवा राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1961 में, उसके बाद राष्ट्रीय गोमांतक पार्टी ने वहां पर जो है 18 साल तक अपनी सरकार चलाई। बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उसने अपना गठबंधन किया और 94 का जो चुनाव हुआ था दोनों ने साथ मिलकर लड़ा था। उसके बाद धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां बेस जो है पार्टी बढ़ाती गई और राष्ट्रीय गोमांतक पार्टी जो है कॉर्नर्ड हो गई। शिवसेना के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही है कि कहीं आगे चल करके अभी जिस तरह से हाल में जो हरियाणा जनहित पार्टी के साथ जो है उनका गठबंधन टूटा है हरियाणा में, शिवसेना को ये कहीं ना कहीं ये चिंता ये भी सता रही है कि ऐसा ना हो कि इस बढ़े हुए हौसले के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है उनका धीरे धीरे बेस जो है खत्म करने की दिशा में हो। और इसीलिए थोड़ा सा उद्धव ठाकरे तेजी में दिख रहे हैं, वो उन्होंने समय से पहले ही खुद को अनाउंस कर दिया, एक वो प्रेशर जो टैक्टिक्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी के साथ, मुझे लगता है कि बीच में धीरे धीरे जब तक वो अपने आप को थोड़ा सा माइल्ड कर करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके बात नहीं करेंगे, इस मुद्दे का हल जो है निकलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। ठीक है राय साहब, अगर हाल ही की परिस्थितियों की बात की जाए, जो मैंने यहाँ पर दुष्यंत जी से पूछा कि कहीं ना कहीं एमएनएस की और कांग्रेस की नजदीकियां देखने को मिली है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो
एमएनएस की तरफ से या राज ठाकरे की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, ये उन्होंने कहा। क्या अब इन परिस्थितियों के बीच में, जब शिवसेना और बीजेपी के बीच में ये परिस्थितियां आ रही हैं, तीसरा विकल्प हो सकता है एमएनएस? लोकसभा चुनाव में भी इसकी चर्चा हुई थी अगर आपको ध्यान हो तो, और उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी ये कहते हुए कि साहब मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। इसका फायदा वो लेना चाहते थे, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं लेना था, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हमारा एमएनएस के संग कोई संबंध नहीं है, हम शिवसेना के संग पिछले 25 सालों से जुड़े हैं और शिवसेना के संग रहेंगे। आज भी वही भारतीय जनता पार्टी स्टैंड लेके बैठी हुई है, हम शिवसेना के साथ हैं और शिवसेना के साथ रहेंगे। अब 2-4-5 सीटों का मामला रह गया है जो मुझे लगता है कल तक निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अगर न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएनएस की तरफ कोई बात करने के लिए गया है, न भविष्य में जाने की ऐसी कोई चर्चा हो रही है, और न एमएनएस की तरफ से कहीं कोई ऐसी चर्चा हुई है कि वो हमारी तरफ आने की बात हो रही है। हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि लोकसभा की अगर नहीं, यहां मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा में भी ऐसी कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था गठबंधन टूटने का कोई कारण नजर नहीं आता है। जैसा कि हमारे भाई दुर्गेश जी ने कहा कि थोड़ा सा मैच्योरिटी की कमी दिखाई है उद्धव ठाकरे जी ने, उन्होंने जल्दबाजी में इस बात को कह दिया है, अब वो उस जिद से वापस आ जाए, गठबंधन बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो चीजें वो भी समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं गठबंधन टूटेगा तो भारतीय जनता पार्टी को लॉस होगा, उनको नुकसान नहीं होगा, वो भी ये जानते हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने प्री मेच्योर ये फैसला ले लिया है तो निश्चित रूप से वो इस पर विचार करेंगे और ये चीजें ठीक हो जाएगी। शिवसेना का कहना है कि 189 से घटते घटते 144 तक तो आ गए, और कहां तक नहीं, ये कोई मतलब नहीं ना कि आप 200 बोल दें और उसके घटते बोल दें 100 पे आ गए, इसका कोई मतलब नहीं। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्मूला इसलिए रखा गया कि साहब ये नंबर ऑफ सीट्स, अब देखो एक बड़ी रोचक बात बता रहा हूं, आप चारों पार्टी को देख लीजिए, इसको अगर आप देखें कि क्या वजह है कि एनसीपी बढ़ना चाह रही है, क्या वजह है कि ये यहां बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप एनसीपी और कांग्रेस की बात देखेंगे तो एनसीपी कहीं ना कहीं मन में ये रख के बैठी है, उसको मालूम है कि लोकसभा के रिजल्ट ने ये बता दिया कि कांग्रेस के ऊपर जो एंटी एनकमेंसी की बात कर रहे हैं या घोटालों की बात कर रहे हैं या इतने सारे बात कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस को नंबर ऑफ सीट ज्यादा देते हैं तो उसका नुकसान एनसीपी को उठाना पड़ेगा। उसको ये लगता है कि नहीं साहब, हम इससे थोड़ी सी दूरी बनाए, नंबर ज्यादा लें और हम ये चीज निकाल लेंगे। आज उद्धव ठाकरे को भी यही लग रहा है कि भाई कांग्रेस इतनी बुरी तरह गर्त में जा रही है कि शायद मैं ये इस बार 179 सीटों पे जो चुनाव में, जैसे 173 सीटों पे मैं लड़ता था, इस बार लड़ लूंगा तो मैं ज्यादा जाता हूं और मैं सीएम बन जाऊंगा लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी ने रिजल्ट दिखाया है, बीजेपी उनसे सीटों पर रिजल्ट दिखा रही है, रिजल्ट उसको दिखा कर उद्धव जी को बोल रही है कि नहीं उद्धव जी, हम 1995 से लेकर अभी तक जो आप बात कहते रहे हमने सर माथे पे रखी है और उस बात के संग हम आ रहे हैं, आप हमको मौका दीजिए। नंबर ऑफ सीट में हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जितनी हम सीटें मांग रहे हैं हम आपसे ज्यादा मांग रहे हैं, आप हमसे कम लीजिए, नहीं वो ऐसा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बराबर पे लड़िए, आपका दावा आप जितनी सीटों को लेकर आते हैं, जिस पे आप जीतते हैं उस पे लड़िए, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बाकी सीटों में उसमें हिस्सा बराबर कर लीजिए, जो ज्यादा सीट लेकर आएगा उस समय निर्णय हो जाएगा। जो मैंने यहां पर सवाल उठाया था राय साहब, मैंने ये कहा कि ये पूरा जो मामला है ये सीएम पद को लेकर, उद्धव ठाकरे साहब जो आप भी उसी चीज को कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को लगता है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां इस बार उनके हक में जा सकती है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां बनी, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा ये नहीं कहा कि उनके हक में जा सकती है, उनको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है उनको। 140 की आप बात कर रहे हैं, वो 130 और 130 अपने लिए आप कहीं ना कहीं मांग रहे हैं, वो 144 पड़े हुए हैं कि कम से कम उन्हें 144 सीटें मिले, एक जो नया फॉर्मूला उन्होंने यहां पर दिया है। बीजेपी के जहन में ये नहीं चल रहा है कि अगर इस तरीके से परिस्थितियां बनती हैं तो हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है? निश्चित रूप से, देखिए मैं आप बताता हूं, अगर नंबर ऑफ सीट्स अगर हम ज्यादा लेके आते हैं और उद्धव ठाकरे जी वहां पर कम रहते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई अगर नंबर ऑफ अगर एमएलए हमारे पास ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से होगा। 1, 2, 4, 5 की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा उस समय, लेकिन अभी तक एक बार भी सिंगल बार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि हमारा अमुक मुख्यमंत्री होगा या हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर से एक बात कह रही है कि बराबर की सीट पर चुनाव लड़िए। एक जो बहुत अच्छी घटना होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन में, वो है आरपीआई।
आरपीआई हमेशा चुनाव कांग्रेस के संग या दूसरों के संग लड़ती थी। आरपीआई का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो हमारे संग जुड़ करके इस गठबंधन को बहुत मजबूत करने जा रहा है। हम उनको भी सम्मान से कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये इतनी सीटें हम ले, बाकी आरपीआई और जो बाकी दल है उनको देना चाहिए, तो इस फॉर्मूले के संग लड़ना चाहिए। बस एक ही कमी हो रही है जो मुझे ऐसा लगता है, जो बार बार दुर्गेश जी भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं कि ये प्री मेच्योर निर्णय है उद्धव जी का, जिसको वापस लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए दुष्यंत जी, बीजेपी शिवसेना दावा ये कर रही है कि हम 59 सीटों पर बात कर रहे हैं, आप लोग किस पर बात कर रहे हैं? आप लोगों के गठबंधन में इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, हमारा जो चर्चा है लगभग सीट्स पे वो कंप्लीट है और उसके कई सारी मीटिंग आज भी हुई हैं उसमें, और कुछ करीब जो सीट शुरुआत में एनसीपी ने मांगी थी उन सीट्स में कुछ सीट्स ऐसी हैं जिन पे अभी बातचीत थोड़ा बाकी है, लेकिन कोई विरोध का जो लेवल है वो उतना नहीं है कि हम लोग उस पर बिल्कुल नहीं, विरोध का लेवल यहां तक आया कि एनसीपी जो है अपना चुनाव प्रचार तक शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके बाद अब बात यहां तक आ रही है कि अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दीजिए, 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हां सुमित जी, मुझे अगर कहने देंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मैं वहीं आऊंगा जहां आप बोल रहे हैं। देखिए, एक बात और समझ लें, पॉलिटिकल दलों के साथ में ये बात भी उनकी करैक्टर में आता है, ये स्वाभाविक बात होती है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, वो लगे रहते हैं अपने क्षेत्र में, वो कई लोग लगे रहते हैं, लेकिन पार्टी जो डिसाइड लास्ट में करती है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, तो वो फिर उसी के पीछे काम चलता है। और मैं आपको पूर्व में भी इस बात को कह चुका हूं कि एनसीपी का और कांग्रेस का स्वाभाविक गठबंधन है, एक नेचुरल है, और हम लोगों की आइडियोलॉजी एक है, हम लोगों का विरोध ज्यादा नहीं है। आपने पहले सुना होगा कि माननीय श्री शरद पवार साहब ने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, शुरुआत में उन्होंने यही बात कही थी, लेकिन बाद में फिर उन सीट्स पर बात हुई और आपस में तय हुआ और हम लोग इलेक्शन में गए पार्लियामेंट में भी। और अभी अकेला उन्होंने उस टाइम अकेले चुनाव लड़ने की बात अगर कही दुष्यंत जी, सवाल उनके जहन में यही था ना कि कांग्रेस के खिलाफ एंटी कैंपेन से चल रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पार्टीज हैं वो कोशिश करती है कि उनको ज्यादा सीट्स मिले, वो ज्यादा सीट्स पर चुनाव लड़े, ये बड़ी पार्टी भी करती है, छोटी पार्टीज भी करती है। हमारे यहाँ हम थोड़ा, क्योंकि हम लोग उनके लिए भी हम लिबरल ज्यादा हैं, बड़ी पार्टी हैं, और दूसरा एक और भी चीज है, हम ज्यादा जिस तरह जद्दोजहद इस पार्टी में दोनों में चल रही है, मतलब बीजेपी और उसमें चल रही है, शिवसेना में चल रहा है, हमारे यहाँ वैसा कोई ज्यादा बखेड़ा नहीं है, हमारे यहाँ लगभग चीजें डिसाइडेड हैं, और हम लोग, मैं आपको इसमें एश्योर करता हूँ आपको कि हमारे यहाँ ये अभी 27 तारीख बहुत दूर है, आप एक दो दिन में, दो एक दिन में ये सारा फैसला हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इकट्ठे एकजुट होकर इलेक्शन में जाएंगे। चल दुर्गा जी, एक चीज मैं यहाँ पर जो बीजेपी शिवसेना के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, जो एक एजेंडा सामने रखा गया है, बीजेपी शिवसेना जो है कहीं ना कहीं एक चेहरा हिंदुत्व वाले के जो एजेंडा है उसके महत्वपूर्ण उसे माना जाता है, सवाल यह है कि संघ का क्या रोल रहने वाला है, संघ अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहा है इस पूरे गठबंधन पर? देखिए, संघ की जो पूरी कोशिश होगी कि ये गठबंधन जैसा पहले था वैसा बना रहे, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि गठबंधन बना रहेगा। हाँ, ये बात है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने इस चीज की शुरुआत की, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी के भी एस्पिरेशंस बढ़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन 59 सीटों का जो है आंकड़ा पेश कर रही है कि भाई जहां पर आप बेहतर नहीं कर पाए आप हमको मौका दीजिए, और थोड़ा सा वो इस बात से भी असहज है कि आपने खुद को जो है अभी नंबर्स नहीं आया, आपने अनाउंस कर दिया, तो मुझे लगता है कि संघ कभी नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में ये गठबंधन यहां पर टूटे, और बीजेपी और शिवसेना भी अपनी तरफ से हालांकि यही दावा कर रही है कि दोनों ही पार्टियां चाहती हैं गठबंधन यहां पर बरकरार रहे, और बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति कांग्रेस और एनसीपी की भी है। सवाल यह है कि दोनों पार्टियां क्या एक साथ चुनाव में उतरेंगी या कुछ और विकल्प यहां पर तलाश जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वह सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या शिवसेना को बीजेपी को 130 सीटें दे देनी चाहिए? आप अपने जवाब हां या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं, एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUD लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हां है तो यस लिखें, और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो भाई सुदर्शन न्यूज जो सवाल कल आपसे पूछा था वो था, कल हमने आपसे पूछा था
क्या मोदी बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराने गठबंधन को टूटने से बचा लेंगे? इस सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं उसमें 72% का कहना है हां और 28% का कहना है नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।